आज छन्नी हिम्मत कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों की जो अलॉटीज हैं उनकी कुछ समस्याओं को लेकर के सभी रेजिडेंट्स यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है कि फ्री होल्ड प्लॉट के लिए, नक्शा पास करवाने के लिए, जो खाली प्लॉट बने हैं, जिस प्रकार से ये एमडी हाउसिंग ने बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जो कि लोगों के हित में नहीं हैं, लोगों के साथ मिल बैठ करके इन चीज़ों को लागू किया जाना चाहिए। उसके बिना मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जो एक्चुअल तरीके से हो सकता है कि कितने महीने में यहाँ पर नक्शा पास होता है, उसी आधार पर लोगों को जो परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी इनकी समस्याएं हैं वो उसको लेकर के एमडी हाउसिंग से भी कहेंगे और माननीय उपराज्यपाल से भी कहेंगे, ताकि ये जो लोग अलॉटीज हैं इनको रोज़मर्रा की परेशानी आ रही है, इस प्रकार की परेशानी ना आए और जो भी कानून बने पीपल फ्रेंडली बने। आज सभी जो स्थानीय नागरिक हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से क्रिएट की गई हैं उनको लेकर आज हमने कविंदर जी को यहाँ बुलाया है और उन्हीं के मसले पर आज हम पे बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में कैसा इसका स्वरूप रहेगा उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और मैं हाउसिंग बोर्ड को भी ये अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो भी रूल बने वो पीपल फ्रेंडली बने और आने वाले दिनों में जो पिछले 22-25 साल से पीछे जो कार्यवाही थी वैसे ही उसको रूटीन में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। इनकी अपनी इनकम कोई नहीं है, लोगों की हरास करी जा रहे हैं, छन्नी वाले भी इन्हें सोसाइटी ने पावर डाली है। एक चेन होती पहले ने बेचा, दूसरे ने बेचा, हुन और चार जगह भी है, आगे दे बार अलॉय मनना तक नहीं है। वो कुत्ते जेड़ा बुजुर्ग 80-85 साल का, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।